नमस्कार दोस्तों, ये हमने टिकट बुक किया था ट्रेन का और ट्रेन हो गई है कैंसिल। तो इस टिकट को ऐसे तो रेलवे के जो रूल है वो क्या है कि ट्रेन पहुंचने के बाद 24 घंटे के बाद आपका जो अकाउंट में पैसे होता है 12 से लेकर 24 घंटे के बीच में अकाउंट के जो पैसे होता है, जो आपने बुक किया था टिकट के जो पैसे होता है वो कैंसिल होकर ऑटोमेटिक आपके बैंक में आ जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसको अपने हाथ से कैंसिल करेंगे। अभी ट्रेन खुली नहीं है और पर ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो इसको अपने हाथ से कैंसिल करेंगे और देखते हैं कि कैंसिल करने के बाद कितना पैसे हमारे अमाउंट आता है, टिकट का कितने पैसे हमारे अमाउंट आता है। तो जब हमने बुक किया था तो यहाँ पर देखिए 607 रुपये 25 पैसे हमारा बुकिंग चार्ज लगा था, है ना, टिकट का। तो अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए इस कोने पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन आएगा कैंसिल का दूसरे नंबर पर, तो हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, जितने टिकट है हमारी एक ही थे एक ही सेलेक्ट किया था, उसके बाद कन्फर्म पे कर देंगे और ये टिकट क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, रिक्वेस्ट हो गया है। और ये 12 घंटे के अंदर बोल रहा है कि आपका 12 घंटे के बाद जो भी अपडेट आएगा वो आएगा, तो हम 12 घंटे वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं पैसे कितना आ रहा है हमारे अमाउंट में। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास मैसेज आ गया है, हमारे जो पैसे जो काट के मिला है वो मिला है 595 रुपये 36 पैसे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पैसे कितना काटा है, 11 रुपये और 89 पैसे क्या है, यानी 11 रुपये और 89 पैसे वो क्या है, फ़ोन पे वाला जो चार्ज लेते हैं ना कंपनी, उसने काट के अपने पास रख लिया है। तो हमारे पास इतना ही पैसा आया है और बाकी जितना पैसा है वो सब हमारे अमाउंट में आ गया। कितना आया है, 595 रुपये 36 पैसा आया है, एक टिकट का चार्ज है। बाकी जो आप फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पे से, किसी भी ऐप से अगर आप पेमेंट करते हैं तो एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है ना वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो फोन पे वाले काट देते। तो मैंने फोन पे से पेमेंट किया था, 11 रुपये 79 पैसे फ़ोन पे वाले ने अलग से चार्ज लिया था, तो वो वापस नहीं मिलेगा। 595 रुपये 36 पैसा ये हमारे टिकट का चार्ज था, तो वो काट के हमारे अमाउंट में आ गया है। तो आपको पता लग गया है इसमें क्या होता है, टिकट का 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटता है, वो सब वो आपको वापस मिलेगा। सिर्फ फोन पे या पेटीएम से जिससे भी आप पेमेंट करेंगे वो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों।